सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट गुरुजी चैनल को और घंटी आइकन को दबाइए लेटेस्ट एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर राजपूत स्वागत करता हूं आपका। आज मैं आपके लिए कोई टेक न्यूज लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेडमी नोट 5 को। तो ये देखिए, ये बॉक्स आप देख सकते हैं, इसको मैंने MI.com से मंगाया था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पाँच से छः अप्रैल को MI.com ने मी फैन फेस्टिवल का आयोजन किया था, तो मैंने वहीं से इसको ऑर्डर किया है। तो आज हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास है इसमें। और आप देख सकते हैं कि 11,999 रुपये की कीमत का ये फ़ोन है। 4 GB रैम वेरिएंट है इसमें और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। तो आज हम इसको काटेंगे, देखते हैं क्या कुछ खास है। तो दोस्तों, अगर शॉपिंग साइट से अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और आगे आने वाले दिनों में मैं एक सीरीज बनाऊंगा, उसमें आप जहां से भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, Me.com, ई कार्ट, और सॉरी टाटा क्लिक हो गया, पेटीएम हो गया, जहां से भी आप करते हैं, तो मैं उनका सबका सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपका रिफ़ंड या रिप्लेसमेंट अटका हुआ है तो मैं उस बारे में भी आपकी हेल्प करूंगा। और आने वाले वीडियो में अपना एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उससे मेरे से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए, बॉक्स बाहर निकल आया है, मैं इसको अलग कर देता हूँ और अब हम बॉक्स को खोलते हैं। तो ये देखिए, पैकेजिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि जब पैकेजिंग फ्लिपकार्ट की तरफ से आती है तो इस बॉक्स को बहुत अच्छे से पैक किया जाता है। यहाँ पे सपोर्टर लगाया जाता है ताकि बाहरी चोट चपेट ना लगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए, बॉक्स खुल के आ गया है। खोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को हिट करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो इसको हम यहाँ से खोलेंगे, हालांकि बॉक्स के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ी नहीं हुई है। और हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कहीं से भी सामान परचेज करते हैं और जब डिलीवरी बॉय डिलीवरी देने आता है, तो बॉक्स रिसीव करने से पहले, पेमेंट देने से पहले, आप उस बॉक्स के आसपास जो ये बाहरी पॉलीथीन रहती है, इसको आप जरूर चेक कर लें। इसके साथ कहीं छेड़खानी तो नहीं हुई है, कहीं कटी छटी तो नहीं है, या फिर कहीं इसको काट कर टेप तो नहीं मारा गया है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आपके डिब्बे में मोबाइल की जगह कुछ और निकले, तो ऐसे डिब्बे को आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर इसको हम काट देते हैं। और दोस्तों, Redmi Note 5 जो सीरीज है उसके स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे और उनका रिस्पॉन्स भी अच्छे आ रहा है, तो इसको आप भी खरीद सकते हैं। क्योंकि हालांकि मैंने इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, इससे पहले भी मैं एक मंगा चुका हूँ, तो लेकिन चलने में अच्छा है, कैमरा भी काफ़ी अच्छा है और मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। तो आखिरकार डब्बा खुल गया है और मैं इसको देखता हूँ क्या निकलता है। आप भी देखिए ध्यान से। जी हाँ, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, ये देखिए, जो मेन डिवाइस है उसके दर्शन हो चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। काफ़ी स्लिम डिवाइस है और 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो है डिस्प्ले का, तो एज आपको जो बेजल्स हैं वो काफ़ी पतले मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं देख लूँ इसमें और क्या क्या दिया है Xiaomi ने। ये तो हो गया मेन डिवाइस, अभी मैं इसको ऑन करूँगा और आपको इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दूँगा। तो बॉक्स में देख लेता हूँ कि क्या खास है। ये यूजर मैनुअल है, तो इससे तो कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। और यहाँ पर ये भी यूजर मैनुअल का ही एक पार्ट है, तो इनको मैं साइड से रख देता हूँ। अब देखता हूँ कि ये USB डाटा केबल है। दोस्तों, इसमें एक कमी है कि इसमें 2018 शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर USB-C टाइप
देना चाहिए था लेकिन रेडमी ने ऐसा नहीं किया है, पता नहीं क्यों। तो ये देखिए चार्जर एडेप्टर है इसका, एक बार बता देता हूँ आपको कि इसका क्या खास है। इसमें आउटपुट इसका कितना है, 2.53 आउटपुट इसका 5 वोल्टेज 2 एम्पियर है, यानी कि ये क्वालकॉम की फास्ट चार्जिंग होगी, इसमें करंट ज़्यादा है इसलिए। ये बॉक्स में नीचे क्या है मुझे नहीं मालूम, तो देखता हूँ। मेन डिवाइस की तरफ चलते हैं और उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया मेन डिवाइस, इसको मैं ओपन करूँगा। तो दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लेटेस्ट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप करते हैं, और नहीं भी करते हैं तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि कब तक आप उसको अवॉइड करोगे, क्योंकि जो भी नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं आजकल वो ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग पर ही लॉन्च होते हैं, शॉपिंग साइट पर लॉन्च होते हैं। और अगर आपको बेहतरीन डिस्काउंट का लाभ उठाना है तो आपको फिर ऑनलाइन शॉपिंग करनी ही पड़ेगी। ये देखिए खुल के आ गया है MIUI 9 लाइटिंग फास्ट। इसको हम नेक्स्ट करेंगे और चालू करने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश ही रहने देंगे, और यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे और चूज योर रीजन। तो यहाँ पे हम इंडिया सर्च करेंगे और वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, डिवाइस काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पर कीबोर्ड इनेबल करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है और इस स्टेप को हम स्किप करेंगे, अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले भी टर्म्स कंडीशंस पढ़ चुका हूँ। और यहाँ पर डिवाइस सिम चेकिंग कर रहा है, तो सिम अभी मैं डालने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बता दूँ आपको कि मैं इस डिवाइस को पर्सनली इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ, इस डिवाइस को कोई और ही यूज करेगा। तो मैं इसमें अपनी पर्सनल जानकारी नहीं डालूँगा और डिवाइस को चालू करूँगा। तो ये देखिए थेम, इस थेम को आप कहीं से भी एक कोई सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, काफ़ी सिंपल है सेटअप, आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस ऑन हो गया है, पूरी तरह सेटअप हो चुका है। और हम इसके कैमरे को एक बार चेक करेंगे कि कैमरा का रिस्पॉन्स कैसा है। और Xiaomi Redmi Note 4 का कैमरा तो कुछ खास नहीं था, लेकिन Redmi Note 5 का कैमरा काफ़ी खास है। आप देख सकते हैं फोकस करने में इसको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है, तुरंत अगर किसी चीज़ पे आप टेल कर स्थिर करेंगे तो तुरंत फोकस कर लेता है। और वहीं सेल्फी कैमरे की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, तो ओवरऑल डिवाइस काफ़ी अच्छा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह डिवाइस कैसा लगता है, अगर आप इसको ख़रीदना चाहेंगे या नहीं ख़रीदना चाहेंगे, आप कमेंट करके एक बार हमें ज़रूर बताइए। और शॉपिंग साइट से संबंधित, ऑनलाइन शॉपिंग साइट से संबंधित आपके पास कोई भी इश्यू हो, रिफंड, रिप्लेसमेंट, गारंटी, वारंटी, क्वालिटी, क्वान्टिटी, इससे संबंधित कोई भी इश्यू हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे आने वाले वीडियो में मैं बहुत ही जल्दी आपको एक नंबर आपको प्रोवाइड करा दूँगा, यदि इससे संबंधित, ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सीधा मुझसे संपर्क करके सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।